हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मुझे लगता है आप सब ठीक होंगे, होए ना? तो बच्चों, हमने स्वरमाला सीखी है। वर्णमाला में से हमने स्वरमाला के पूरे अक्षर सीखे हैं हमने। तो चलो एक बार वो अक्षर क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं और मेरे साथ आपको भी वो अक्षर बोलने हैं। हाँ, तो यहाँ पे बोल देखो आप लोग, क्या है ये? स्वरमाला है। तो ये यहाँ से अ से शुरू होती है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अ अ अ से अनार, आ आ से आम, ई ई से इमली, ई ई से ईख, ऊ ऊ से उल्लू, ऊ ऊ से ऊन, ए ए से एड़ी, ऐ ऐ से ऐना, औ से औरत, अं अं से अंगूर और आहा आहा से आहा आ। तो ये अ से आहा तक स्वरमाला के पूरे अक्षर हमारे हो गए हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, तो अ से आहा तक पूरे स्वरमाला के अक्षर ये लिखने हैं। और कैसे लिखने हैं? पढ़ के पढ़ के लिखने हैं। हाँ, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ए से एड़ी, ऐ से ऐना, ओ से ओकली, औ से औरत, अं से अंगूर, आहा से आहा हा। तो ऐसे पढ़ते हुए ये सारे अक्षर आपको लिखने हैं बच्चों। और अभी देखो यहाँ पे ये अंक है। ये क्या है बच्चों? अंक है। तो हम लोग इंग्लिश में अंक लिखते हैं ना, तो ये क्या है बच्चों? ये वन है और ये टू है। तो ये हो गया वन एंड टू। तो ये हिंदी में हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं पता है आपको? तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है, यहाँ पे हमने एक सर्कल बना के सीधी लाइन खींची। तो ये क्या हो गया? ए मतलब वन। तो ये क्या है? एक है। और यहाँ पे देखो ये टू है, तो टू है यहाँ पे। ये क्या हो गया? टू कैसे लिखना है देखो। तो ये इसे एक निकाल के यहाँ से ये थोड़ा सा स्लैंटिंग है। तो ये हो गया ये एक और दो, एक और दो मतलब वन एंड टू। तो ये अंक आपको क्या करने हैं? बोलते हुए आपको ये लिखने हैं। और ये स्वरमाला में से अ से आहा तक ये स्वरमाला लिखनी है। और ये एक और दो अंक आपको पढ़ते पढ़ते लिखने हैं।